बच्चे का हाथ पकड़ता है, वो मेरे बच्चे के कंधे पर अपना हाथ रखता है, वो किस तरह से मेरे बच्चों को सहलाता है, वो किस तरह से मेरे बच्चों को बात करता है। जी हाँ दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे मैं ये कौन सी बातें आपसे कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जब हमारे छोटे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके साथ में बाहर के कौन कौन से लोग, और बाहर ही नहीं कभी ना कभी हमारे रिश्तेदार आस पड़ोस के व्यक्ति जो हर रोज़ उससे दो चार होते हैं, किस तरह से उसके साथ में व्यवहार करते हैं, किस तरह से उसके साथ में आचार विचार करते हैं, किस तरह से उसे छूते हैं, कौन सा स्पर्श बच्चे के लिए अच्छा है और कौन सा स्पर्श बच्चे के लिए बुरा है, इस बात का ज्ञान हमें बच्चों को कराना है। मगर किस तरह से कराना है और कैसे समझाना है, इस बात पर रोशनी डालती हुई हमारी ये एक बेहद खास स्टोरी। कहते हैं बेटियां जिस घर में होती हैं उस घर में सदा रौनक बरसती है। वरदान के रूप में भगवान मनुष्य को बेटियां देता है, लेकिन बेटियां घर की चौखट के बाहर ही नहीं, कभी कभी घर की चार दीवारी में भी कुंठित मानसिकता वाले लोगों का शिकार बन जाती है। और अक्सर ये बात हमारी बेटियां अनजाने डर के कारण अपने घर वालों से साझा नहीं कर पाती। बेटियां हमारी हों या आपकी, उन्हें जरा सी भी खरोंच बर्दाश्त नहीं है। घर हो या बाहर, हमारे समाज में बच्चियों को अपनी घिनौनी मानसिकता या कुंठा का शिकार बनाने वालों की कमी भी नहीं है। बच्चियां ऐसे लोगों का आसान शिकार होती हैं। बेटियों के प्रति गलत नजरिया रखने वालों को आए दिन पुलिस और कभी कभी जनता भी सबक सिखाती रहती है। बच्चियां किसी हादसे का शिकार हों उससे पहले उन्हें खुद के प्रति जागरूक किया जाना जरूरी है, और इस काम का बीड़ा उठाया है झांसी की रूपम अग्रवाल ने, जो बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में कई सालों से जागरूक कर रही हैं। परिवार का मुख्य उद्देश्य मासूम बच्चियों को उनके स्वयं की सुरक्षा के लिए जागरूक करने का है। इसके लिए हमारे वृंदा परिवार की सभी बहने झांसी के प्रत्येक विद्यालय में जाकर इन मासूम बच्चियों से मिल रही हैं, इनसे बातचीत कर रही हैं और प्लस इनकी भावनाओं को समझ रही हैं। बच्चियों के साथ दुराचार की खबरों ने रूपम को इतना दुखी किया कि उन्होंने इससे निपटने की ठान ली। पीड़ित बच्चियों के साथ मिलकर रूपम को ऐसा लगता था जैसे उसकी अपनी बेटी के साथ ऐसी घटना घटी हो। फिर क्या था, रूपम ने ठान ली बच्चियों को जागरूक करने की। शुरू में रूपम को इसका विरोध घर और बाहर दोनों जगह झेलना पड़ा, लेकिन रूपम लहरा से छुए तो उसके क्या मतलब छिपे होते हैं। कोई भी हो, अगर गलत ढंग से आपको छूता है या जबरदस्ती आपको छूने की कोशिश करता है तो उसे अपने घर वालों या परिवार की महिला सदस्यों को जरूर बताएं। गुड टच बैड टच के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इन बच्चियों को ये तमाम जानकारियां दे रही है कि कैसे वो अपने जिंदगी में अच्छे और बुरे इंसान की पहचान कर सकती है, यानी कि कैसे उनके गलत इरादों से वो अपने आप को बचा सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई जिले की लड़कियां बहुत बहादुर हैं। रूपम लड़कियों को उन चुनौतियों से निपटना बताती हैं जिनसे हर बच्ची या लड़की का सामना होता है। रूपम और उनकी टीम के लोग लड़कियों के घर तो कभी स्कूल में वर्कशॉप चलाकर उन्हें खुद के प्रति और समझदार बना रही हैं। गांव-गांव और गली गली रूपम के इस गुड टच और बैड टच के कार्यक्रम की सराहना भी हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनकी निडरता का उदाहरण देते हुए ये समझा रहे हैं कि जिस तरह से एक साधारण सी बच्ची मनु अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई बनी, ठीक उसी तरह से इन बच्चियों को भी अपनी जिंदगी में आए बुरे इंसान का सामना डर कर नहीं बल्कि डट कर करना है। बच्चियों को हम खुद के प्रति, अपनी रक्षा के प्रति जागरूक बनाएं तो कोई भी उन्हें छूना तो दूर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। हर बच्ची में झांसी की रानी है और अब उसका मुकाबला अंग्रेजों से नहीं बल्कि कुत्सित मानसिकता वाले कुंठाग्रस्त लोगों से है। जब हर बच्ची अपने में निडर होगी, अपने में सशक्त होगी, तभी वो एक सुरक्षित और एक खुशहाल भरा जीवन जीने में सक्षम हो सकेगी। आइए हम अपनी बच्चियों को जागरूक बनाएं। झांसी से सूरज कुमार, नया दौर।